क्या करे सर, शिवगढ़ चले? ये काम एक ही कमीना कर सकता है। दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म राधे ने बहुत ही धमाकेदार प्रदर्शन किया है बॉक्स ऑफिस पे। आपको बता दें कि राधे फिल्म को पब्लिक ने बहुत ही जोरों शोरों से पसंद करके खूब कमाई करवा दी है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो फिल्म ने OTT पर रिलीज करके भी 200 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर लिया सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 दिनों में ही। अब ऐसे में दोस्तों बात करें फिल्म सूर्यवंशी की, तो सूर्यवंशी फिल्म को पहले रिलीज किया जाने वाला था अप्रैल के महीने में ही, लेकिन कोविड के चलते और कोरोना के चक्कर में फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म को रिलीज नहीं किया। लेकिन सलमान खान अपने बात से पीछे नहीं हटे और उन्होंने अपनी फिल्म रिलीज कर दी। तो अब इसी चीज़ को देख के सूर्यवंशी फिल्म के मेकर्स भी जल्द ही कुछ नया अनाउंसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हाल ही में अपडेट आई थी सामने जिसमें कि ये कहा गया था कि फिल्म के मेकर्स जल्द ही एक बड़ी मीटिंग रखेंगे और वहाँ पे हो सकता है कि ये भी डिसाइड कर लिया जाए कि फिल्म को OTT पे रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि फिल्म के मेकर्स को पैसे कमाने से मतलब है। और जिस तरीके से राधे ने पैसे कमाए हैं, 200 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर लिया है, उस हिसाब से फिल्म सूर्यवंशी भी कमा सकती है। और इसी को लेकर फिल्म के मेकर्स जल्द ही कोई नया और बड़ा डिसीज़न ले सकते हैं। लेकिन अभी तक फिल्म के मेकर्स की ये जो हैवी मीटिंग है वो नहीं हुई है, लेकिन अनुमान यही है दोस्तों कि हो सकता है कि फिल्म को रिलीज़ कर दिया जाए OTT पे, क्योंकि कितने दिन तक कोई फिल्म का मेकर जो है अपना पैसा मार्केट में से उठाया है और कब तक फिल्म पे लगाएगा, कभी तो कमाने का उसको भी मौका मिलना चाहिए। वैसे तो पब्लिक की माने तो सूर्यवंशी फिल्म को थिएटर्स में ही देखने में मज़ा आएगा, तो अभी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या फिल्म के मेकर्स कोरोना के ख़त्म होने का वेट करते हैं या फिर वो भी अपनी फिल्म OTT पर रिलीज़ कर देते हैं। इस बारे में दोस्तों आपका क्या है कहना और आपकी क्या राय है कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करें टॉप अप इन फैक्ट्स ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे ऐसे ही सबसे पहले। धन्यवाद।